अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राजो रमूज के यूट्यूब चैनल और हमारा जो ग्रुप है कबूतरबाजी के राजो रमूज और हमारा पेज कबूतरबाजी के राजो रमूज उसके प्लेटफॉर्म से मैं हूं नदीम असगर। और जैसे हमने आपको कल ही आगाह कर दिया था कि कसूर से नामवर असातिज़ा की आज आपको जो कबूतर है उनका शौक करवाएंगे, इस वक्त हम मौजूद हैं ताहिर भट्टी साहब, उस्ताद ताहिर भट्टी साहब, आप कसूर जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उनके छत पर मौजूद है और यहाँ पर आपको जो उनके ब्रीडर कबूतर है और उठने वाले कबूतर है उनका भी शौक करवाएँगे। बड़े नायाब और खूबसूरत कबूतर है उनके पास, टैडी डबल है और दूसरी जितनी भी नस्लें हैं उनका भी शौक करवाएंगे। हमारे साथ रहिएगा जी भट्टी साहब, कैसे आप? अच्छा, हल्का फुल्का सा हमारे जो व्यूवर्स हैं जो नए आने वाले शौकीन हैं उन्हें कुछ थोड़ा सा कबूतरों के मुतालिक हल्का फुल्का सा कुछ बता दें कि अच्छा कबूतर कैसे होता है और कैसे एक्चुअली कबूतर में तीन चार ज़रूरी होनी चाहिए। बदन उसका ऐसा हो जो कबूतर बदन से ही उठता है, कबूतर पनों से उठता है, बदन से उसकी थकावट जो है उसका पता चलता है कि उसमें कितनी कैपेसिटी लेवल है, तो बदन बहुत अच्छा होना चाहिए। आँख आँख की गहराई से उसकी पता चलता है कि उसका गहना वापस आने की सलाहियत है। ये तीन चीज़ें जो ले आने वाली शौकीन हैं उनके लिए सबसे पहले इनको सीखें, उसके बाद उस्ताद ताहिर भट्टी साहब आप मशहूर हैं उनके उनसे जो है ना वो आपने सुना कि जो कबूतर की शनाख्त है उसके बारे में आपको बता रहे थे। हमारा जो यूट्यूब चैनल है कबूतरबाजी के राजो रमूज उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि जो आपको आने वाली अच्छी वीडियो मिलती है। मैं थोड़ा लैडा सेगमेंट कर दूँ।